इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां गैंग रेप कांड में रीवा पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें, दो दिन पूर्व हुए नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अष्टभुजी मंदिर के पास गैंग रेप कांड में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब इसमें से एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने छह आरोपियों में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रीवा पुलिस अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। पुलिस ने तत्काल ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गैंग रेप कांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया था। दो आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिसको रीवा लाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि गैंग रेप में जितने भी आरोपी हैं, सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही होगी, ताकि ऐसी घटना करने वालों को सबक सिखाया जा सके। आइए सुनाते हैं इस विषय पर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया से क्या कहा है। और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कहाँ से गिरफ्तारी, कैसे? तीन आरोपियों को तो तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। दो आरोपियों को जो है मुंबई से अभी रक्षा में लिया गया है, वो रास्ते में आ रहे हैं। उनसे भी जो है पूछताछ करके उनसे साक्ष्य जो है वो उनके निशानदेही को बरामद होकर, और एक आरोपी के लिए अभी टीम रवाना है, जो एक शेष बचा हुआ है उसको भी जल्द हम पकड़ लेंगे। आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है, इसमें लगभग तीन आरोपियों के मकान ध्वस्त है, बाकियों की कार्रवाई जो है निरंतर जारी है। इसके लिए एक महिला सुरक्षा डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम बनाई गई है, जिसमें निश्चित समय अवधि में इसकी विवेचना पूर्ण कर ली जाएगी और सभी आरोपियों के विरुद्ध जो है अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा, और ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैकिंग करा के न्यायालय में भी विचारण करा के माननीय न्यायालय से आग्रह करके उनका भी जो है निर्णय कराया जाए, ताकि उनको सख्त से सख्त सजा तुरंत मिल सके और समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए और इस तरह की जो साहस करने वालों जो है नसीहत। सर, जो दो आरोपी पकड़े गए हैं वो पुलिस उन तक कैसे पहुंची, कहां भागने के फिराक में थे? एक्चुअल में दो आरोपी जो है घटना के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो वो भाग गए, और उनकी रिश्तेदार जो है मुंबई में काम करते हैं, तो मुंबई भाग गए इलाहाबाद से। हमारी एक टीम जो है बच्ची की दस्तयाबी के लिए ऑलरेडी उस महाराष्ट्र एरिया में भ्रमण में थी, हमने तत्काल जो है उसे एक्टिवेट करके उनके पहुंचने के पहले ही पुलिस उनके गंतव्य स्थान पर पहुंच गई और उसको अभी रक्षा में भी ऑक्सीजन ने भी आज पूरा आदेश दिया है कि छह लोगों के घरों में भी लोग चले गए, तीन बताया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो कार्रवाई निरंतर जारी है।